सागर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बरोदिया नोनागिर गांव पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं और बरोदिया नोनागिर गांव पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सागर का ये पूरा मामला और जो पीड़ित परिवार है उनके घर के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में साहस बनाए रखने की बात सुनिए, क्या कुछ कहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, अगर यहाँ थाना बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मांग भी लंबे समय से थाने की, तो यहाँ थाने की आवश्यकता है। यहाँ से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर और आसपास तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो कि पहुंचे हुए हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए और हर संभव मदद का भरोसा जताया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहाँ पर जो पीड़ित परिजन हैं वो कुछ मांग भी कर रहे हैं सीएम से। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है, तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें। तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन दौर से तो देखिए इस कठिन दौर से दुख सहन करने की क्षमता दे। और खुरई विधानसभा के बरोदिया नोनागिर में जहां दलित की हत्या और उसकी भतीजी की संदिग्ध मौत के बाद अब ये जो पूरा मामला है अब ये गर्मा चुका है, सियासत का रुख हो चुका है। और इस मामले में अब आप देखिए कि जहां पहले कुछ अन्य नेताओं ने भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। और आज जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करके इस दुख की घड़ी में उन्हें हर तरीके से मदद दिए जाने का भरोसा आश्वासन दिया गया। और जिस तरीके से लगातार हत्याएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, इस पर रोक कैसे लगाई जाए। आपने अभी हाल ही में सुना कि एक जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक थाना होना चाहिए, पास में होना चाहिए, ताकि मौका पड़ते ही वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई जा सके, तुरंत उनको न्याय मिल सके। और इस हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। तो देखिए जब सीएम पहुंचे हुए हैं और अब ये पूरा जो मामला है काफी गर्मा चुका है, दरअसल अब जो सियासी रंग है ये भी इसमें चढ़ने लगा है, जहां एक युवक की हत्या की गई थी और साथ ही संदिग्ध मौत हुई भतीजे की। तो खुरई विधानसभा के बरोदिया नोनागिर का ये पूरा घटनाक्रम है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मंगलवार को यानी कि कल तमाम जो राजनीतिक दल थे वो भी मौके पर पहुंचे थे और इस पूरे मामले में काफ़ी गुस्सा भी जताया गया, नाराज़गी व्यक्त की गई और बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस तरीके की वारदातें बार बार हो क्यों रही हैं प्रदेश में। तो बरोदिया नोनागिर गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या की गई और अब भतीजे की मौत के बाद से भी मामला काफी गर्माया हुआ है। पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है,
तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें, तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी। तो देखिए, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हूँ, ये कहना सीएम का, और उन्होंने इस पूरे मामले में दुख व्यक्त किया है। हर तरीके से जितनी मदद हो सकती होगी और साथ ही कानून व्यवस्था को और सुनिश्चित करने के लिए भी आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीणों की मांग लंबे समय से है कि यहाँ पर नज़दीक में थाना होना चाहिए ताकि कोई भी शिकायत अगर वो करना चाहते हैं तो तुरंत हो सके। और ग्रामीणों से जिस वक्त मुलाकात करने पहुँच रहे थे, जो पीड़ित परिजन हैं उनसे जब सीएम मुलाकात करने पहुँच रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। और एक बार फिर से सुनिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। पीड़ित परिवारों के साथ है, मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें, तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ। तो आप ये देखिए कि पुराना मामला है जो काफी अब गर्मा चुका है, तूल पकड़ चुका है। दरअसल बरोदिया नोनागिर गांव में किसी पुराने मामले को लेकर एक राजीनामा करने की बात हुई थी और इसके चलते दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और हमला करने के बाद जो युवक गंभीर रूप से घायल हुआ उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद राजेंद्र अहिरवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, सागर रेफर किया गया, और उसके बाद हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी कि उसे भोपाल रेफर करना पड़ा। और रास्ते में ही तड़के सुबह उस युवक की मौत हो गई। अब आप ये देखिए कि घटना के बाद जो मृतक राजेंद्र है अहिरवार, उसकी भतीजी अंजना अहिरवार ने अपने चाचा के शव वाहन में बैठकर अपनी गांव जा रही थी और तभी रास्ते में वह चलते हुए वाहन से कूद गई, उसकी भी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस युवती ने खोरई में के पैलेस के पास शव वाहन से कूद गई थी और उसे सिर, पैर और अन्य हिस्सों में चोट आई थी। उसे जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले में जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है उनका कहना है कि पुराने विवाद के राजीनामा को लेकर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। पहले चाचा राजेंद्र अहिरवार की धारदार हथियार से हत्या और फिर भतीजी अंजना ने शव वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली। इन दोनों मामलों की जांच अब की जा रही कि आखिरकार भतीजी ने ये आत्महत्या क्यों की है। तस्वीरें भी सामने आई हैं और लड़की की मौत की जांच की जा रही है। उधर राजेंद्र के पिता की रिपोर्ट पर आशिक कुरैशी, बबलू बेना, इसराइल बेना, फहीम खान, टंटू कुरैशी, कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और संवाददाता पंकज प्रजापति जुड़ गए हैं। पंकज, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे हैं, मांग की जा रही है कि नजदीक में कोई थाना होना चाहिए ताकि कोई भी शिकायत हो तो उस पर तुरंत थाने पहुंचकर अपनी समस्या बताई जा सके। पंकज जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बरोदिया जो गांव है नौनगर, जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, काफी बड़ी बस्ती है और यहां पर थाना नहीं होना भी एक जो है प्रशासनिक तौर पर देखा जाएगी ये कमी महसूस की जाती है कि इतनी बड़ी बस्ती होने के बाद और आसपास जो है चार पांच गांव को मिलाकर ये बस्ती होनी, लेकिन यहाँ पर थाना नहीं है। आपको थाने के लिए तो खुरई जाना पड़ेगा, खुरई देहात थाना जाना पड़ेगा, या पर आपको नजदीकी जो है राजगढ़ थाना जाना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा खुरई लगती है और सुरखी विधानसभा अलग हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि हमारे गांव में जो एक चौकी होना चाहिए और उन्होंने जो 10 सूत्री जो मांगे कलेक्टर को ज्ञापन दिया था पिछला जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद भी और जो अभी 3 दिन पहले वारदात हुई उसके बाद भी, कि जो आरोपी हैं उनके मकान ढहाए जाए, मुआवजे की मांग की है और इस पूरे प्रकरण की जो है सीबीआई जांच की मांग पीड़ित के परिवार द्वारा की गई है जी, जिस पर सीएम ने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी सारी मांगों पर जो है संज्ञान लिया जाएगा और जो भी इसमें कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। बिल्कुल, अब पीड़ित जो परिवार है वो काफी दुखी भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम ने हर तरीके से मदद का आश्वासन दिया है और जो भी ये दुख की घड़ी इसमें साहस बांधने की कोशिश, और ये देखिए जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे उस दौरान ग्रामीण भी इकट्ठा हुए।